नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुनः मैं 50 क्वेश्चन के साथ आपके सामने हूं और ये क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे सभी से संबंधित है। बिहार दरोगा पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 कहता है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, बी ब हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, स आनंद मत, द प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, घ बाब आवर इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, और इसका सूची 2 है 1 ताराचंद, 2 बी 2 डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, 3 राजा राम मोहन राय, 4 फादर बुल्के, 5 ए के दत्त और छठा बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंगली देखें कि इससे किसका मिलाव सही है। तो अगर आप आंसर देखते हैं तो इसका मिलान जो है सी सही है, यानी वन ए का जो अ का है वो 1 हो जाएगा, ब का 5 हो जाएगा और स का 6 हो जाएगा और द का 3 और घ का 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 का विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है, मतलब इसका कहाँ पे असर नहीं पड़ा था बिहार में। ए दानापुर, 1 दानापुर, 2 पटना, 3 आरा, 4 मुजफ्फरपुर, 5 मुंगेर। ए 4 और 5, बी केवल 5, सी केवल 4, डी 3 और 3 4 5। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 4 और 5, यानी कि मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित रहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं, 1 बिहार, 2 बंगाल, 3 गुजरात, सी संयुक्त प्रांत। निम्नलिखित कूटों में इसका सही उत्तर चयन कीजिए, ए 1-2, बी केवल 2, सी 2-3, डी 1 और 4। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि 1 और 4। चौथे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी वाईकोम सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो वह हो जाएगा ए, यानी राजकोट सत्याग्रह में उन्होंने स्पष्ट रूप से भाग प्रत्यक्ष सीधा नहीं भाग लिया था। ठीक है, चलिए ऐसे याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह में उनकी भाग लिया था, उन्होंने गुजरात के खेड़ा वाले में भाग लिया था, और वाईकोम जो सत्याग्रह था एक गांधीवादी आंदोलन था, 1924-25 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ, केरल में हुआ था, केरल में वाईकोम है। ठीक है, तो ये तो आप लोग असहयोग और खेड़ा कन्फर्म है आपका, वाईकोम केरल में हुआ था 1924-25 के बीच हुआ था, ये याद रखेंगे, केरल में गांधी जी खुद भाग लिए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न कहता है, 5 नंबर प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ए महात्मा गांधी ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी मुरारजी देसाई ने, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात में स्थित है बारदोली, इसमें किसान ने सरकार के द्वारा बढ़ाया गया 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक सत्याग्रह किया था। याद रखिएगा, इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की जो महिलाएं थीं वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, मतलब यहीं पे इन्हें सरदार जोड़ा गया था, सरदार। ठीक है, तो ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न कहता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, ए यरवदा जेल में, बी नैनी जेल में, सी अहमदनगर के किले में, डी आगा खां के पैलेस में। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी, यानी आगा खां के पैलेस में उन्हें किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब पास हुआ था तो उस समय आगा खां में उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव, जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था उसमें कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किया गया था। याद रखिएगा, जैसे ही पारित किया जाते ही गांधी जी, कस्तूरबा और महादेव देसाई
को पुणे में स्थित आगा खां महल में रख दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न कहता है कि द्वितीय गोल में सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी डोमिनियस स्टेट प्रदान करना, सी सत्ता हस्तांतरण की तिथि, डी सविनय अवज्ञा का स्थगन। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ए, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में ये असफल रहा था। सातवें नंबर प्रश्न से आठ चलते हैं। आठवें नंबर प्रश्न की तरफ, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति स्वतंत्रता को समाप्त करना, वी बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी व्यक्तित्व स्वतंत्रता को समाप्त करना। 19 मार्च 1919 को लागू जो रोलेट एक्ट हुआ था वो किसी भी इस नियम के अनुसार किसी भी संध्या व्यक्ति, कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। इसीलिए इसी कानून को कहा गया नो अपील नो दलील नो वकील, इसको कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ना अपील ना कोई दलील ना कोई वकील होगा और आपको रख दिया था। इसमें व्यक्तित्व की स्वतंत्रता छिन जा रही थी, इसलिए उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अगले प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौ नंबर प्रश्न कहता है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष की थी? 1816, 1891, 1893 और 1896। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1896 में किया था, 1896 कलकत्ता में किया था। कलकत्ता में समीप में 12 नगर की थी है, उसी में बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ए अबुल कलाम आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी पट्टाभी सीतारमैया, डी जे बी कृपलानी। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस पुनः निर्वाचित होने वाले थे लेकिन वो हुए नहीं, ठीक है, याद रखेंगे वो हुए नहीं। और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस में हुआ था जिसमें गांधी जी को विरोध कर दिया था, इसी कारण वो नहीं हुए थे। 38 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार बने थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। और 39 में जो हुआ था त्रिपुरी हुआ था उसमें विवाद हो गया था, ठीक है, तो इस कारण वो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए थे। चुनाव तो इन्हीं का हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन उन्हें त्याग पत्र दे दिए थे। 11 नंबर पर, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में, 1985 में, 90 में, 75 में। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी 1990 में प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 129.9%, 84.25%, 254%, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 17.7 की वृद्धि थी 2001 से लेकर 11 तक, याद रखिएगा 17.7% की वृद्धि थी, ये वृद्धि थी, ठीक है। वार्षिक वृद्धि जो थी वो, ये तो आपका ये दशकीय वृद्धि हो गया डिकेड का, और वार्षिक वृद्धि थी 1.64%, ठीक है। इसलिए ये हो गया आपका दशकीय वृद्धि 10 वर्ष में, और ये हो गया प्रति वर्ष, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, बछेंद्री पाल, बी संतोष यादव, सी एम श्रीलेखा, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का हो जाएगा संतोष यादव। अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन प्रस्ताव प्रदान करता है, ए पहली बार पंचायती राज का, बी पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, सी पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तन का, डी पंचायत चुनाव को अध्यक्षात्मक तथा लोकसभा
एवं विधानसभा चुनाव को समकक्ष बनाने का, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो डी ही है, यानी पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा में चुनावों को समकक्ष बनाना था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसी में 9 भाग में 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, द मूर्स लास्ट साई के लेखक हैं पेग टायर, बी सलमान रशीद, सी पी जी उडहाउस, डी मेरी हिंग्स क्लार्क, और इस प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी सलमान रशीद इसका सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न कहता है स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है स्वर्ण उत्पादक देशों का एक संघ, बी बरमूडा त्रिकोण जहां समुद्र की आभा स्वर्णिम है, सी थाईलैंड म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ उत्पादन करने वाले क्षेत्र, डी अफगानिस्तान ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी से है, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी थाईलैंड म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से है। 17 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था, 1930, 32, 28, 1931, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1930 में, यानी ए में। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है एपेक APEC का पूर्ण रूप क्या है, एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैक्ट फॉर एनवायरमेंट कंट्रोल कॉरपोरेशन, सी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इस प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 19 नंबर निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ए कदम, बी चेर, सी चोल, डी पांड्या, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। संगम साहित्य में जिन तात्कालिक राजवंशों की जानकारी मिलती है उनमें चेर, चोल और पांड्या ही शामिल हैं, कदम राजवंश का संगम साहित्य से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 20 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध चार स्थानों का नीचे उल्लेख है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। थोड़ी देर वीडियो रोक कर सूची 1 और सूची 2 को देख लें, जन्म ज्ञान प्राप्ति प्रथम वचन निधन, सूची 2 सारनाथ बोधगया लुम्बिनी कुशीनगर, ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी 1 का 3, 1 का 3, 2 का 2, C का 1 और D का 4, ठीक है। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चित्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा लकड़ियों का बना था, उनका जो महल प्रसाद था वो लकड़ी का बना था। मेगास्थनीज जो इंडिकांत पुस्तक लिखे थे उन्हीं के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था जिसके चारों ओर खाई बनी हुई थी। वर्तमान में ये कहाँ पर है, पटना के निकट एक कुम्हार की जगह है वहीं पर है। खुदाई में लकड़ी के स्तंभ तथा लकड़ी की चार दीवारी के प्रमाण भी मिले हैं। चलिए 22 नंबर हेनस्वांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था, वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी वाराणसी। 23 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी लाहौर। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हुई थी, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूक खां, ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर होगा जफर खां की मौत हुई थी। अगला प्रश्न 25 नंबर हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में संकेत करें, युद्ध स्थल को नीचे अंकित, चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, ये हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों क्या है, तो इसका पहला हो जाएगा आपको देवरा, दूसरा चौसा, कन्नौज, सरहिंद, यानी डी का आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था, ए वी ए स्मिथ, बी जे एन सरकार, सी ए एल श्रीवास्तव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, और इस प्रश्न का वी ए स्मिथ ने कहा था।
1927 में निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। 28 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ए शाह सुजा से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा शाह सुजा से। शाह सुजा से उन्होंने प्राप्त किया था। एक मिनट, शाह सुजा इसका आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न, लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोंसले, सी दौलतराव सिंधिया, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा डी, यानी इनमें 29 नंबर प्रश्न जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 30 नंबर प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, बी सर अहमद इकबाल, सी आगा खां, डी नवाब सलीमुल्लाह खां। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, यानी नवाब सलीमुल्लाह खां। 31, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, डी अरविंद घोष। और इस प्रश्न का आंसर होगा राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। 32 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828, 1829, 1830, 1843, ठीक है। और 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। कविवान निवासी थे पाटलिपुत्र के, थानेश्वर के, भोजपुर के, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का आंसर होगा बी, यानी थानेश्वर के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 34 नंबर, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी राजकुमार अजीज ने। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी शेरशाह ने, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.503, 365.753। और इस प्रश्न का आंसर होगा बी, यानी 365.25 दिन। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, यानी शुक्र। याद रखिएगा, ये सबसे नजदीक का ग्रह है लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 90% इसके वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकीज, डी अल्पास। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, यानी एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 38 नंबर प्रश्न, 38 कहता है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी यांगसी क्यांग द्वारा, डी हांगो द्वारा। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है सुंदरबन का डेल्टा। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह भार ह्रास मूल्य, भार वृद्धि मूल्य, भार सम मूल्य, दिन में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का होगा भार ह्रास मूल्य पर लग पर स्थित है। 40 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है योजोइक महाकल्प में, पेलोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में और केनोजोइक महाकल्प में, ठीक है। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा पेलोजोइक महाकल्प में। 41 नंबर, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 3.10 डिग्री, 98.4 डिग्री, 36.9 डिग्री और 31.5 डिग्री। और इसका आंसर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस पे, फारेनहाइट में नहीं है। 42, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी नाइट्रोजन सबसे अधिक है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है, डी साधारणतः कम चर्बी होती है। ठीक है, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो सी, यानी उनमें केवल एक क्रोमोजोम होता है। 45 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45 पृथ्वी कहता है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास और 70 डिग्री अक्षांश के पास, और इस प्रश्न का आंसर होगा बी, यानी 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50, 70 से 80, 110 से 120 किलोमीटर, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 40 से 50 किलोमीटर। 47 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है क्योंकि ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी लकड़ी की तुलना में लोहा उसके ऊष्मा अच्छा चालक है, सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, डी लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है, और इस प्रश्न का आंसर होगा बी, यानी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 48 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है किसी परमाणु का नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों वही होती है, डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों संख्याएं भिन्न होती हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, यानी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं आइसोटोप। 49 नंबर प्रश्न कहता है 49 प्रश्न मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है एलेथीन एट्रोपीन 2 आइसोप्रोपस्की फिनाइल डी बेंजियो हेक्साई क्लोरोफीन, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी एलेथीन। ठीक है, 50 नंबर जो आज का अंतिम प्रश्न है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/4 है, बी आधा है, सी 2/3 है, डी 3/5, यानी तो इसका सही होगा 2/3, 2/3 पृथ्वी का ढका हुआ है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।